सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे हो। तो आज हम आपके लिए नई गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आए। सो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, आपका जो इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ, आज इसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर हो सकता है, सो इसी के बारे में फुल प्रोसेस हम वीडियो में बोल देंगे। तो आपसे प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए। आप लोग वीडियो स्टार्ट से कर एंड तक वीडियो को देखें तो ही आप लोग समझ सकें क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और क्या क्या कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोटिस रहेगा। ठीक है, तो व्यूअर्स और एक भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल में आप लोगों को तो आपको डिस्क्रिप्शन जाके आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब का बुक्स आप लोगों को ऊपर मिल जाएगा। तो आप लोग उस लिंक पर जाके आप लोग बुक खरीद भी सकते हो, तो आप लोग बुक को देख भी सकते हो। तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आप लोगों को बुक आप लोगों को देख के खरीदनी होगा तो आपको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। आप लोग अच्छे लगे तो ही आप लोग खरीदना, ठीक है। और भी आप लोगों को हमारे जो टेलीग्राम चैनल आप लोग उससे भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग उस पर भी आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह वीडियो जो भी PDF होगा हम उसमें भी आप लोग को शेयर कर देंगे, आप उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जरूर हमारे चैनल को आप लोग प्लीज सपोर्ट करना, बड़ी मेहनत से आप लोग वीडियो बनाते हैं और प्लीज आप लोग जरूर भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते हैं। तो पहले आप जानते हैं कि आपका जो इंडियन वाटर वाटर फिटनेस हो, आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटर के आपका जो है अंतर्गत आपका आता है। सो यहाँ पर सब जानते हैं आपका गवर्नमेंट फिटनेस का जॉब है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका निकला, जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है आप लोग जो नोएडा जो रीजन ऑफिस है, सो यहाँ पर आपका आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट रहेगा। सो यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन ओपनिंग डेट भी जारी हो गया, सबका 18 नवंबर आपका स्टार्ट हो रहा है और 17 दिसंबर आपका लास्ट डेट है। आपको बस काफी टाइम है, आप लोग प्लीज PDF को खोल के उसके बाद आप लोग एलिजिबल क्राइटेरिया देख के उसके बाद ही आप लोग अप्लाई करना। सो इसलिए मैं बोलूंगा प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिए, तो इन्फॉर्मेशन नोट्स यहाँ पर आपको मैं बोल दूंगा, ठीक है। और भी ऐसा आप देख सकते हैं, सो यहाँ पर आपका पोस्ट भी दे दिया, सो एबर डेपुट डायरेक्टर फाइनेंस अकाउंट्स में, सो एबर पे स्केल 11 सैलरी आपको मिल जाएगा, जो लगभग आपको 1.5 लाख रुपए आपको 1.5 लाख सैलरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैक्सिमम AGM देगा 40 आवर्स आपको टोटल वैकेंसी पर, दो ही आपका आनीतिक कैटेगरी द्वारा आपका आता है। उसके बाद आता जो आपका जो EDP आपका जो EDP असिस्टेंट है, एवर भी उनको पे स्केल 6 सैलरी में मिल जाएगा, लगभग आपको 80-90 सैलरी में मिल जाएगा। उसके बाद आपको टोटल आपको AGM मिलता है आपको मैक्सिमम में आपको 35। उसके बाद थोड़ा वैकेंसी वो एक ही आपको OBC में अंतर्गत आपका आता है। उसके बाद जूनियर जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, सर्वे पर भी उनको पे स्केल 6 सैलरी उनको मिल जाएगा। सर्वे पर भी आपको 3 सीट आपको मिल जाएगा, दो आता है UR में, एक आता है UTLS में, और अभी आपको मैक्सिमम इंजीनियरिंग को 30 मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्टेनोग्राफर डी आता है, यहाँ पर भी आप लोगों को पे स्केल 4 सैलरी मिल जाएगा और मैक्सिमम इंजीनियरिंग 27 आपका है। उसके बाद टोटल वैकेंसी आपका आता है 4 वैकेंसी आपका आता है, आपको एक एक करके SC ST और एक एक करके OBC में आपका अंतर तक आता है। उसके बाद आपका आपका जो LDC जो लोअर टीचर पोस्ट का सही पे भी वो पेज का 2 सैलरी मिल जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम AGN 27 मिल जाएगा। तो ये टोटल वैकेंसी का 4 है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन वगैरह आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया है, तो पहला का जो पोस्ट है तो डेप्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस में, यहाँ पर डिग्री कंप्लीट करना होगा, आप प्रोफेशनल डिस्क्वालिफिकेशन आपको फाइनल एग्जाम इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और तो वो सी वो सेस कमर्शियल एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको मेंबर एनी ऑर्गेनाइज सबको ऊपर होना पड़ता है, और नहीं तो पास आउट रेगुलर सर्विस और सुपरवाइजरी कैपेसिटी कमर्शियल अकाउंट्स में, फाइनेंस अकाउंट्स गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल में को PUC में काम करना होगा, और आपको पोस्ट का सैलरी पे स्केल 10 सैलरी मिलना होगा तो यह पेपर एलिजिबल हो सकता है। और डिजरेबल से डिप्लोमा आपका डिजरेबल है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, मैंने आपके ये दोनों में से, ठीक है। सो यहाँ पर आपको EDP में डिग्री कंप्लीट करना होगा, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन में और इक्विवेलेंट में, और आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस और डेटा इंटरफेस और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोफेशन में रखना पड़ता है। उसके बाद जूनियर हाइड्रोलिक सर्वे यहाँ पर आपको डिग्री कंप्लीट करना होगा सिविल में, और नहीं तो आपको डिप्लोमा कंप्लीट करना होगा सिविल इंजीनियरिंग में, 3 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस रखना पड़ता है। फॉर हाइड्रोलॉजी लैंड सर्वेस और सीनियर S2 सर्टिफिकेट को इंडियन नेवी में 7 ईयर एक्सपीरियंस और हाइड्रोलॉजी में, ठीक है। और फिर दीजिए स्टेनोग्राफर में आप लोगों को 12th क्लास पास आउट होना होगा, स्किल टेस्ट पास भी कंप्लीट करना पड़ेगा। सो WNET WPM ट्रांसफर पार्क में आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद आता है आपको LDC पोस्ट पे, आपको 12th क्लास पास आउट होना पड़ेगा, यानी कि टाइपिंग स्पीड रखना पड़ेगा 30 WPM, इंग्लिश 25 WPM, हिंदी में मैनुअल ड्राइवर पे, सो आप लोग एक बार चेक कर सकते, ठीक है।
वाला एज लिमिट भी आपको दे दिया, आपको मैक्सिमम तो चीज मिलता है, उसके बाद ही आपको अप टू 3 इयर्स ओबीसी को और एससी 5 साल का अपार्टमेंट छूट मिल जाएगा। सो पीडब्ल्यू भी छूट मिल जाएगा, जो एक सर्विसमैन है जो जो ऑलरेडी पीस में काम करते हैं सेंटर स्टेट में, सो उनको भी बड़ा छूट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जो एफिशिएंसी, कितना पे इंक्रीज करना पड़ता है सबको। पर जनरल ओबीसी को अगर 500 रुपीज को देना पड़ता है, जो पे सबको नॉन डिफरेबल रहेगा। उसके बाद जो SC ST है तो उनके लिए 200 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, और जो बैंक में चार्जेस होता है उसको देना पड़ता है। ठीक है, पेमेंट तो आप ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट के साथ पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट को करना पड़ता है। ठीक है, सो ये भी जो SC ST है उनको भी नॉन डिफरेबल रहेगा, और वो इंटरेस्ट वगैरह देकर ऐसे आपको अप्लाई करना होगा। तो पहले आपको वेबसाइट में जाके, जो आपको वेबसाइट में जाके आपको आपको होम पेज आपको रिक्रूटमेंट देके आपको अप्लाई ऑनलाइन देके आपको अप्लाई करना पड़ता है। सो आपको ऑनलाइन अप्लाई करता है, जो जो आपको स्टेप बाय प्रोसेस उसके ऊपर फॉलो करना पड़ता है। पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट आप लोग को सर्टिफिकेट देना पड़ता है, आप लोगों फोटोग्राफ आपको। ठीक है, अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना है तो स्कूल सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है सर चेक कर सकते हैं। पर जाके बस वही से जगह कुछ भी डाउट हो वही से आप लोग चेक कर सकते हैं, जो क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट मंगा है तो PDF में आपको दिया है। और अप्लाई करने का प्लीज आप लोग को वैलिड ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर देना, क्योंकि उसी में पूरा इन्फॉर्मेशन आपका आएगा, कब आपका एडमिन के आएगा, सबको उसके द्वारा आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए मैं वेलम वैलिड आपको देना पड़ता है, और अच्छे से आपको जो डॉक्यूमेंट है अच्छे से आपको स्कैन करके आपको देना पड़ता है। ठीक है, अब फोटोग्राफर कितना कॉपी देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है आप चेक चेक कर सकते हैं। और मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन, जी हाँ इंस्ट्रक्शन, आपके पास सबके पास परमानेंट पोस्टिंग रहेगा, सबका हेडक्वार्टर नोएडा में आपको रहेगा, फिर रीजन ऑफिस पटना गुवाहाटी कोलकाता कोची में सबका ऑफिस सबको बनारस में भी आपका आपका फ्यूचर में आप लोगों को यहाँ पर पोस्टिंग कर सकता है। ठीक है, और वो कैसे आपको एग्जाम लिया जाएगा, सो यहाँ पर आप लोगों को 120 मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। सो पार्ट आपको 1 में, पार्ट 2 में आपको 100 मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और भी उसको सिलेबस क्वान्टिटी एप्टीट्यूड दिया जाएगा आप लोगों को, आपको रीजनिंग आप लोगों को, ठीक है, और इंग्लिश वगैरह जो भी है आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी आप वैसे जगह भी चेक करते क्या क्या आपका CBE टेस्ट आपको हो सकता है। 0.2 का आपका नेगेटिव मार्केटिंग पेपर आपको रहेगा, और भी दे दिया है आप लोग प्लीज़ चेक कर सकते हैं जाके को कुछ आइडिया। और आप जो कांस्टेबल है उनको तो प्लीज़ वेरी टू को जगह को तो गवर्नमेंट ऑथोराइज जो कांस्टेबल होता है सो ये आपको देना पड़ेगा। और भी कुछ पेपर दे दिया है आप लोग जाके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो बस केवल स्कीप स्कीप आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और जो PWD कैंडिडेट्स है उनको भी बड़ा इंस्ट्रक्शन दे दिया है, जो PWD से आप देखिए नहीं तो जो जनरल वाले कैंडिडेट्स है वो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, पूरा यहाँ पर आप लोग दे दिया इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और भी है आप चेक कर सकते हैं वो क्या क्या आपको पोस्टिंग वगैरह, उसके बाद SC ST OBC का। ठीक है, और उसके बाद आपका जो SC PC उनके भी पर दे दिया। तो एग्जामिनेशन पैटर्न अगर कुछ तरह कुछ यहाँ पर है आप लोग ऐसा देख सकते हैं, तो PTE तो बड़ा बड़ा है इसलिए जो मेन सेक्शन है से वही मैं आपको बताऊंगा। आपको एग्जाम के द्वारा जो आपको डेप्यू डायरेक्टर है उनके लिए CBT आप लोग देख आप लोगों को चेक कर सकते हो। स्टेज 1 होगा CBT, स्टेज 2 एंड CBT। जो असिस्टेंट रहेगा EDP सिंगल सिर्फ CBT होगा, जो हाइब्रिड सिंगल CBT और जो स्टेनोग्राफर CBT प्लस उनको स्किल टेस्ट वगैरह उनको भी देना पड़ता है। उसके बाद अगर जो LDC उनको CBT प्लस जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा उनको भी देना पड़ता है। सो यहाँ पर आप लोग को जो रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन 45% जनरल का द्वारा, 40% OBC और SC ST, 35% PWD IW सेम यहाँ पर। सो यहाँ पर सेंट्रल एग्जामिनेशन हम चेक कर सकते हैं, दिल्ली कोलकाता जो पटना कुछ जो बड़े बड़े शहर होते हैं यहाँ पर उनको यहाँ पर एग्जाम उनको पर लिया जाएगा। और एग्जाम जाने का टाइम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम वो कुछ सबको नहीं दिया जाएगा, डिपार्टमेंट के द्वारा सबको खुद के पैसे से देके आपको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होगा आपको आपका एग्जाम वगैरह आपको खुद के पैसे से देके आपको फिर करना पड़ता है। ठीक है, और भी कुछ इंस्ट्रक्शन है आप लोग से देख से स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद भी तो दे दिया है फोन वगैरह आप नहीं ले जा सकते, इसमें टेस्ट पर बैन भी आपको कर सकता है। तो यहाँ पर वो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है किसी के पास नहीं है तो इसको फिल करके आपको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो SC ST OBC होता है, उसके बाद आपका जो एक सर्विसमैन है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सब पूरा सर्टिफिकेट है जो आप लोग यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, सो यहाँ पर आप लोगों को जो स्किल टेस्ट जो मतलब जिनके पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे
सो उनका पर आप लोगों का जिस भी पोस्ट अप्लाई उनका पूरा सिलेबस कॉपी आपके ऊपर दे दिया है। सो यहाँ पर एक आपको सिलेबस दे दिया, सो ये भी मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपके लिए बड़ी यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा अप्लाई करने का। पर जो भी चीज़ में अप्लाई करेंगे आप एलडीसी में अप्लाई करेंगे, पूरा सिलेबस पूरा स्टेट पर दे दिया है कैसे क्या आपका आएगा, फिर टेक्नीशियन क्वेश्चन वगैरह पूरा यहाँ पर दे दिया, आपके लिए बहुत यहाँ पर काम आएगा आपके एग्जाम क्वालिफाई करने का, ये भी मैं आपको दे दूंगा। सो पीडीएफ और आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सो उस लिंक जगह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी डाउट होते एनी अदर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट में कर सकते हैं, मुझे डाउट होते मैं वो पूरी क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा मेरी तरफ से, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल में आप लोग भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को हर रोज आप लोगों जो लेटेस्ट गवर्नमेंट अपने जॉब होता है उसकी नोटिफिकेशन मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो चले मैं अब चलता हूँ, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, सब लोग जो ध्यान से फॉर्म फिल कर देना, चलिए।